वेल, जब सीजन 15 की शुरुआत हुई उसके पहले ही दो हफ्तों में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सीजन पंद्रह जीतेगा करण कुंद्रा। अब ये तो नहीं पता कि क्या करण कुंद्रा ही इस साल ट्रॉफी को जीतेगा या उनकी गर्लफ्रेंड तेजा या उनके 12 साल पुराने दोस्त निशांत या फिर जो उनकी कभी दोस्त कभी दुश्मन जो उनकी होती है बिकॉज उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी बनती नहीं, यानी जी शमिता, या फिर एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत, या फिर इसमें हो सकता है उनका मेंटी जिनके वो थे मेंटोर यानी प्रतीक सहजपाल, क्योंकि इन पांच लोगों को डेफिनेटली लोग जो है देख रहे हैं इन टॉप 5। बिल्कुल, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में कि क्या करण कुंद्रा जीत सकता है ट्रॉफी, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो हमें इस वीडियो में देखने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख रहे हो फीफा फूस, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त पिनाकी कर्णिक। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो के अपडेट्स जो है वो मिस आउट ना करें। वेल, अगर करण कुंद्रा की बात करें तो उनकी जर्नी जो है स्टार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से शुरू थी, फिर थोड़ा सा नीचे उनका ग्राफ आता हुआ दिखाई दिया, फिर से ऊपर उनका जो है ग्राफ गया और अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे उन्होंने अपना जो ग्राफ है मेंटेन करा है। इस सीजन में अगर करण को किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो उनकी करण नीति के लिए जाना जाता है, उनके दिमाग के लिए जाना जाता है, जिस तरह से वो गेम को डिकोड करते हैं मास्टरमाइंड की तरह उनका दिमाग चलता है, इसीलिए उन्हें करण उनकी जो बातें हैं उनके जो थॉट्स हैं द वे ही प्लेज द गेम करण नीति बोला जाता है उसे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब वीक वन या वीक टू में ही जब OTTNs के वर्सेस जंगलवासी थे, जब उन्हें मैप वैप बनाने थे, घर के अंदर का जो रास्ता था वो बनाना था, तब उन्होंने जिस तरह से सारे जंगलवासियों को इकट्ठा लेके वो चले हैं, कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी जो है डेफिनेटली करण कुंद्रा में जो है बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही थी। और इसीलिए जब फराह खान की एंट्री होती है, आई थिंक पहले दो हफ्तों में ही उनकी एंट्री हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने जब रैंकिंग दी थी करण कुंद्रा को, उन्होंने नंबर वन पोजिशन पे देखा। ये चीज देखने के बाद कुछ लोग काफी खुश हुए, क्या वाह वाह क्या बात है भाई नंबर वन पे है, लेकिन वो बहुत कम थे। ज्यादातर लोगों को यही लगने लगा भाई ये अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे जरूर हटाना है। इसीलिए एक टास्क जो था वहां पे कांटे बिछाने का टास्क था, वहां पे प्रतीक सहजपाल जो उनके मेंटी है, पिछले शो में उनके मेंटर रह चुके हैं करण कुंद्रा, तो उन्होंने कहा था कि मैं करण कुंद्रा को मेरा एक कॉम्पिटिटर देखता हूँ, इसीलिए उनके राह में मैं जरूर कांटे जो है बिछाने वाला हूँ। तो ये भी हमने देखा है कि करण कुंद्रा का जो भी रिलेशन किसी के साथ भी अगर रहा है इस घर में, कुछ ना कुछ मीनिंग से रहा है। तेजा के साथ उनका रोमांस वाला एंगल, प्रतीक के साथ मेंटी और मेंटर वाला एंगल, कभी अगर हम निशान की बात करें तो कभी दोष कभी दोस्त कभी दुश्मन कभी न्यूट्रल की, कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या है जाने दो या जाने ना। और अगर शमिता की बात करें, बेचारे कभी कभी दोस्त बनते हैं लेकिन तेजा और उनकी नहीं बनने के बावजूद थोड़ी कभी कभी बात हो रही थी, बट अदरवाइज ही डजंट टॉक मच टू शमिता। तो राखी के साथ उनका भी एक पुरानी दोस्ती वाला एंगल है, उमर के साथ ऑब्वियसली वो उनके बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं अभी भी है, रश्मि के साथ बिकॉज उमर का एक कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं रश्मि के साथ भी उनकी अच्छे लेवल पे बनती है, देवो के साथ भी काइंड ऑफ वो न्यूट्रल है, अगर अभिजीत बिचुकले के साथ बात करें तो उनके साथ मस्ती मजाक वो करते हैं, लाइन में रखते हैं बिचुकले को, कोई टेंशन नहीं। तो हर एक के साथ जो है करण का अभी फिलहाल जो लोग घर में है उनके साथ काफी अच्छे से रिश्ता रहा है। राजीव की बात करें, राजीव के साथ भी उनका काफी अच्छे से रिश्ता रहा है। अगर उनकी पूरी जर्नी की हम बात करते हैं तो उनकी जो फ्रेंडशिप है उमर के साथ शुरू हुई थी, स्पेशली वो गन्ने के टास्क में वो दोनों जो एक साथ इकट्ठे खेल रहे थे और उससे एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनका बॉन्ड सामने आ रहा था, लेकिन सबसे तगड़ा बॉन्ड उनका मतलब उनकी दोस्ती तो बढ़ी रही थी, लेकिन देखिए मायशा और उमर के बीच कैप्टेंसी वाला टास्क जो होना था तभी घर से कुछ गिफ्ट्स आए थे, तो वो गिफ्ट्स की अगर कुर्बानी देंगे तो पेट्रोल जो है मतलब फ्यूल जो है पेट्रोल नहीं फ्यूल जो है उसकी लेवल बढ़ती रहेगी। तो इसलिए करण ने अपने घर से आए हुए गिफ्ट को कुर्बान किया ताकि उमर जो है दोस्त उसका जो है कैप्टन के और बढ़ सके, कैप्टन बन सके। उमर ने कहा अभी यार तुझे प्लीज अगर गिफ्ट चाहिए तो ले ले यार, तू ऐसा मत कर, वैसे मैं जीत रहा हूँ तू कर ले, लेकिन उसने ठान ली थी कि कुछ भी करे वो उमर के लिए खड़ा रहेगा, एंड दैट पेड ऑफ वेरी वेल फॉर हिम। उमर की उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा जो है टाइट हो चुकी थी, और जब VIP बनाने की बात थी, उमर VIP बन के कैप्टन बनने के बाद और उन्हें मौका दिया गया कि बाकी लोगों को वो VIP बनाए, तो उन्होंने करण को सबसे पहले VIP बनाया, और करण की जो कि गर्लफ्रेंड है तेजा, इसलिए तेजा को भी उन्होंने VIP जोन में एंट्री दी थी अलॉन्ग विथ अदर्स। और उनकी जो दोस्ती है हमने बिल्कुल जय वीरू टाइप की उनकी जो दोस्ती है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं,
एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, जहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो करण रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ अगर हो तो उमर है, तो उनकी ये जो दोस्ती है एक अलग लेवल पे गई है। और उमर और करण की दोस्ती को बाहर भी अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद जो है वो किया जाता है। करण के अंदर अगर क्वालिटीज़ की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि लीडरशिप क्वालिटी है उनमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी, हमें राइट फ्रॉम द जंगल डेज दिखाई दी। उनके लोज घर में आए लेकिन उन्होंने लोज को भी अच्छे से संभाल लिया। उन्होंने पिन डाउन किया था प्रतीक को एक टास्क में, लेकिन उसके लिए उन्हें डांट पड़ी थी सलमान खान सर से। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आपा जो है कंट्रोल में पाया। यूजुअली हमने उन्हें बहुत शांत और बहुत सहमे हुए, बहुत ही मैच्योर वे में देखा है, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली घर के अंदर है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। उनसे गलती हुई लेकिन उस गलती के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्हें कहीं ना कहीं जो है प्रतीक के लिए रोना भी आया, तो उनके अंदर के इमोशंस हमने देखे। अगर हम देखें ना, प्यार, गुस्सा, नफरत, दोस्ती, रोना, इमोशनल होना, बहुत दिमाग से खेलना, जो लोग आपके नहीं है फिर भी उन लोग के लिए हमदर्दी जताना, हमने करण को ना एक फुल पैकेज जैसा अगर शो में देखा है, अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा। काफ़ी फेयरली, काफ़ी ऑनेस्टली उन्होंने हर एक टास्क जो है वो खेला है, कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग पॉइंट्स निकाले हैं, किस चीज़ से जीता जाता है देखा है। जब VIP बनाने का जब बात चल रहा था, जब म्यूजियम वाला टास्क था, तो एवरीवन वाज पहले प्लेइंग कि हाँ हम इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे VIP, लेकिन इट वाज करण जिन्होंने पहले कहा था कि बस हम किसी को क्यों बनाए VIP, हम किसी को क्यों दे वो पावर्स, हम किसी को भी नहीं होने देंगे, गेम को रद्द करवाएंगे। ऐसे करते करते 1, 2, 3 ऐसे कई जो टास्क जो है रद्द हुए, उसमें कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मास्टर माइंड जो करण नीति जो चलाई है वो करण ने ही चलाई है, वो हमने देखी है। करण नीति जो है काफ़ी ज़्यादा हिट रही है। ऑफकोर्स हिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो तेजरन की जोड़ी को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपने किसी भी इमोशन को जताने से, किसी भी दिल के बात को बताने से वो पीछे नहीं रहे हैं। उनकी एक आई थिंक गुआवा के साथ उनकी जो दोस्ती है वो शुरू हुई थी, गुआवा शेयर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रूट वो शेयर किया था जब वो जंगलवासी थे। कहीं ना कहीं तेजा के साथ उनकी बातें चलती थी, तेजा का जो बबली मस्तीखोर क्यूट सा नेचर है उनको भा गया। काफ़ी डिफरेंट रही है तेजा उनसे, और दोनों के बीच आई थिंक कुछ 8 ईयर्स का गैप है, बट कभी भी उनके रिलेशनशिप को देख के ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से भोली सी, नटखट सी, बबली, चुलबुली, ड्रामेबाज, नौटंकी वाली, एंड एकदम ऐसी यू कैन से गर्ल नेक्स्ट डोर जो होती है ना, बिल्कुल वैसी तेजा। एंड कारण इज़ वेरी सहमा हुआ, शांत सा, मैच्योर, पीस लविंग एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल टाइप का ऐसा बंदा। उन दोनों की जोड़ी किसी को लगा नहीं था कि होगी, लेकिन जिस तरह से उनकी जोड़ी हुई माशाल्लाह क्या कहना। अपनी दिल के बाद उन्होंने इतापुर जब आई थी तब कह दी, उन्हें बताया भाई मुझे तो ये बंदी पसंद है, तो वो जो प्यार का इजहार उन्होंने किया। तेजा पहले नहीं चाह रही थी लव एंगल बने, उनका लव स्टोरी कुछ भी बने घर के अंदर, उनका कहा कि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन करण के चाम से वो कैसे पीछे रह सकती थी। करण के चाम ने उन्हें कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया, और उन दोनों की जो जोड़ी है वो तेजस्वी और करण से कब तेजरन बन गए वो उन्हें खुद ही कभी पता नहीं चला, और उनकी स्टोरी है, उनकी जो जर्नी है तेजरन वाली वो शुरू हो गई। इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, बट एज आई सेड कि रेनबोज एंड बटरफ्लाइज हर बार नहीं होता, कुछ ना कुछ अलग होता है यार। ये बेचारों का क्या ही करे, इतने से घर में है, इतने ही लोग हैं, और किसी से आप बात नहीं कर सकते, और उसमें आपको अगर एक कोई सपोर्ट मिलता है, कोई हमसफर, हमदर्द, हमारे साथ रहने वाला अगर कोई इंसान मिलता है, तो उन्हें वैसी तेजा मिली। काफ़ी अच्छे से उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, अभी भी करते आए हैं, बीच बीच में लड़ाई, झगड़ा, ये वो, डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज भी उनका जो प्यार है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। पहले वो तेजा के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, ये कह के शी स्ट्रॉन्ग इनफ, शी कैन फाइट फॉर हरसेल्फ, लेकिन उन्हें जब रियलाइज़ करवाया गया कि भाई आप नेशनल टेलीविजन पे हो, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई बुरा भला बोल रहा, चुप कैसे हो, उसके बाद करण ने जो है तेजा के लिए स्टैंड लेना शुरू किया। सलमान खान ने जब भी जो जो उन्हें बोला है, उन्होंने हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लिया है, उन्हें जितना भी बैश किया गया हो, ही ऑलवेज टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, कभी अपने गेम को जो है अफेक्ट नहीं होने दिया है। और उन्होंने एक यू कैन से बहुत सारी चीज़ें बेचारे ने सुनी है, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से लेके ऐसा बॉयफ्रेंड किसी का कभी ना हो, बुरा है, ये है, वो है, लेकिन इन सब अभी ऐसा हो गया कि बॉयफ्रेंड हो तो करण जैसा हो, बिकॉज द वे ही स्टैंड्स अप फॉर हर
आज कहीं ना कहीं अगर तेजा वीआईपी है तो इसमें करण का एक बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं है कि तेजा ने गेम खेला नहीं है, तेजा बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, बहुत फॉर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है तेजा को अंदर लाने के लिए, भले वो पहले उमर से उसने कहा था भाई तेजा को अंदर ले लेना तो वीआईपी में, वहां पे ले लिया। टास्क जब था डिबेट का, ठीक है चलो थोड़ा बहुत उनका था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि रश्मि और उमर उनके साथ खेल रहे हैं लेकिन वो खेल नहीं रहे थे तेजा के लिए। लेकिन फिर भी तेजा अपने बलबूते पे, लेकिन कहीं ना कहीं करण के थोड़े से सपोर्ट पे तो अंदर आई है। उसके बाद जब उन्हें वीआईपी से निकाला गया, जब उन्हें साइकिल का टास्क करना पड़ा अपने वीआईपी स्टेटस को बचाने के लिए प्रतीक के साथ, एकदम रॉक सॉलिड की तरह करण जो है तेजस्वी के साथ खड़े रहे। उसके बाद भले उसमें ना जीते, नेक्स्ट गेम जो उन्होंने खेला था बॉल वाला, जो लॉन्ड्री बैग में कलेक्ट करना था, वहाँ पे भी जो सबको मनाने की बात हो या फिर रश्मि से बात करना हो या फिर तेजा को बताना कि तू क्या कर सकते है क्या नहीं, तू बिचुकले से बॉल मांग, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजी वो तेजा को सजेस्ट करते। तेजा ने बिल्कुल खेला, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड सजेशन करण का भी था। मैनी करने वाले चैलेंज में जो गेम खेला है करण ने तेजा के लिए, हा 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 क्या कहने। तेज रन के फैंस पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं करण के इस चीज की वजह से कि भाई बंदे ने खेल लिया, बंदे ने दिखा दिया कि भाई अगर आप चाहते हो किसी चीज को शिद्दत से तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। अपने गर्लफ्रेंड को वीआईपी बनाने के लिए तुम जिस तरह से उसके पीछे खड़े थे एज अ रॉक सॉलिड पर्सन, भाई क्या बात है, मान गए आपको, मान गए। तेजा जितनी स्ट्रांग है उतना ही करण ही स्ट्रांग है। इन दोनों को फाइनल्स में देखने में जो मजा आएगा ना, कसम से समझ लीजिए दोनों अगर फाइनल्स में खड़े होंगे तो तेजरन किसे सपोर्ट करेंगे, तेजा को या करण को, ये देखना जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल जैसे मैं आपको पहले भी कहा, सारी इमोशंस जो है करण के हमने हर जगह से देखे, तेजा के लिए स्पेशली वो रोमांटिक केयरिंग पजेसिव साइड था वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए पजेसिव और यू नो वेरी यू कैन से वेरी लविंग टूवर्ड्स ईच अदर है, लेकिन जिस तरह से वो तेजा को ऐसे हक से खींच लेता है, छीन लेता है अपनी तरफ, एंड जिस तरह से उनका वो जो क्यूट वाला रोमांस होता है, जो उनका क्यूट बैंटर होता है, हाय हाय कितना क्यूट है, स्पेशली जब उनके पापा और मम्मी आए थे, जिस तरह से उन्होंने मम्मी पापा इस तरह से इशारा किया था तेजा की ओर, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे खानदान की हार्ट ऑफ द फैमिली है यार, तो जिस तरह से उन्होंने बाद में टीज किया था तेजा का, क्या मजा आया। और प्रतीक यानी कि तेजा का भाई फैमिली वीक में उनसे मिलने आने वाला था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या प्रतीक आने वाला है जो तेजा का भाई है या फिर उसके पेरेंट्स। तो निशांत और तेजा के साथ बैठ के जो मराठी सीखने की उनकी कोशिश थी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट नजर आई। उनका पंजाबी मुंडे वाला वो जो एक था ना चीज़, मैंने है वो चीज़ बहुत सही है। जैसे जब गौहर खान आई थी और ट्रॉफी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जब उस तरह से उन्होंने कहा था कि, अब मुझे एग्जैक्ट डायलॉग उनका याद नहीं है जिस तरह से उन्होंने बोला, पर देखना बड़ा मजा आया कि बिग बॉस अब बस करो, ये ट्रॉफी दो और ख़त्म करो, ऐसा कुछ तो था। ऑब्वियसली आई कैन नॉट इमिटेट हिम बट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद वही उनका एक बीच में था कि बटर चिकन दो, दारू पिलाओ, वो वाली जो चीज़ थी बिग बॉस, वो पूरा जो एक मस्त वाला उनका बिग बॉस से बात चल रहा था निशांत के साथ, वो बैठ के जो मेरे यहाँ पे बात कर रहे थे वो भी बहुत सही था। ये पंजाबी मुंडा सबका दिल जीत लेता है, कसम से मैं क्या बताऊँ आपको। और उसी के साथ साथ यू नो वीआईपी बनने की बात हो, नॉन वीआईपी की हो, लेकिन हर बार अगर किसी का दिमाग सुपर डुपर चला है ना, निशांत का जितना दिमाग चलता है उतना ही करण का चलता है। भाई दिमाग के मामले में दोनों जो है कड़ी टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 19-20 की बात करें तो ऑब्वियसली करण ही है। पर करण से अगर कोई भी गलती हो जाती है ना, वो माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तेजा के उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया, कभी गलत कभी सही। एक गलत स्टैंड लिया था प्रतीक के मॉम को जब उन्होंने स्टूपिड बोला था, लेकिन उसने जब उन्हें पता चलता है वो चीज़ उन्होंने गलत की है, माफ़ी मांगने के लिए वो पीछे हटे नहीं। स्टैंड लेना सही था, लेकिन गलत चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, ये बात करण को उस वक्त पता चल चुकी। वेल वो दोस्तों के दोस्त है, दुश्मनों के भी लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं, वो दुश्मनों को इग्नोर नहीं करते। जैसे कि जब वो जोम्बी वाला टास्क था, राखी को लग रहा था भाई अब तो मुझे निकाल देगी शमिता क्लियरली कैप्टन बन रही थी, तो उन्होंने कहा यार अब तो मुझसे बर्तन घिसाएगी, पता नहीं मुझे क्या करेगी क्या नहीं, फुल उसके ड्रामे शुरू हो गए। वो वीआईपी का टास्क जो स्टार है वो निकाल के शमिता को देने लगी, तो करण ने कहा यार तू ऐसा क्यों कर रही है, रुक जा रुक जा। फिर वो एकदम ये हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, शिट वीआईपी स्टेटस चला जाएगा, तो बोल के अब तो मुझसे बर्तन घिसवाएंगी, मुझसे ये करवाएंगी वो करवाएंगी। तो करण कहता तू चिल ना, तू टेंशन मत ले, मैं कर लिए करूँगा।
तो वो एक जो कैरिंग साइड का एक नेचर है वो भी बहुत अच्छा लगा। देवोलीना साइकिल के टास्क में भले ही प्रतीक के साइड से खेल रही थी, लेकिन बैठे बैठे बेचारी उसका जो है ऑब्वियसली लेग में इंजरी हुई, उसकी वजह से उसका पैर जो है सटक जाता है, गिर जाती है। करण वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रन अप टू हर एंड हेल्प हर आउट। सो करण का वो जो एक साइड हमें दिखाई देता ना कि कोई भी हो, अपने लोग हो, पराए हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, हमारे साथ हो, हमारे खिलाफ हो, लेकिन हमेशा हमेशा उसने अपनों का साथ दिया है, जो अपने नहीं है उनका भी साथ है। तो करण की जो एक जर्नी है 360 डिग्री में हुई है, ये अगर कहे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हर एक एंगल से हमने करण की जो है जर्नी देखी है, भले वो तेजा के साथ हो, उमर के साथ हो, शविता के साथ हो, निशांत के साथ हो, प्रतीक के साथ हो, भले वो रश्मि के साथ हो, राखी के साथ हो, या फिर बिच्छुकले भी अगर हो तो उसके भी साथ हो। तो आपको क्या है लगता कि करण की जर्नी कैसी थी? करण की जर्नी में से कौन सी मोमेंट्स है सबसे आपके लिए बहुत खास? कौन से मोमेंट्स आपको लगते हैं सबसे प्यारे और दिल को छूने वाले? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। करण के स्क्वाड, ये आपका बारी है, ये आपका चांस है। इस कमेंट सेक्शन को इतना ढेर सारा प्यार दो करण के लिए कि भाई ये सबको दिखा दो कि करण का स्क्वाड किसी से कम नहीं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फीफा फूस। बाय बाय, टेक केयर।